हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा एंड वेलकम बैक टू रेखा की दुनिया। तो आज के ब्लॉग में बहुत कुछ है एक साथ में। हाइलाइट्स में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही है, तो आज के ब्लॉग को अंत तक देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। तो इसमें राखी भी है, पूजा भी है, कुकिंग भी है और एक गृह प्रवेश भी है, सब कुछ है। तो आप वीडियो में बने रहिए और पूरे ब्लॉग को एंजॉय करिए। ये देखिए, रेडी है मेरा आलू दम दही बड़ा और आज यही है मेरा डिनर। तो ट्राई करती हूँ और आप लोगों को शेयर करती हूँ इसका एक्सपीरियंस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो घर का सारा काम निपटा लिया है, एज़ राखी है, मेडनी है ही है। तो कल शाम को तो मैं कर नहीं पाई बहुत कुछ और उसमें ये भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सुबह सुबह उठ करके घर की सफाई हो गई है, बर्तन बर्तन कर लिया है, किचन साफ़ हो गई, मैं नहा के आ गई हूँ। अभी हेयर तो करूँगी मैं, बाल एक बार सूख जाए तो, उसी लिए जल्दी जल्दी नहा के आई हूँ। और ये जो आपको दिख रहा है ना मेरे बाजू पे दाने, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी स्थिति, मेरे पूरे हाथ की स्थिति क्या हुई पड़ी है। किचन का जो कपड़ा होता है जो हम रखते हैं काम करने के लिए, उसमें चींटियाँ घुसी पड़ी थी और उसकी वजह से ये हुआ है। तो आप सोच नहीं सकते, इतनी जलन हो रही है, इतना कि मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। ये आपको दिखाते हैं क्या क्या हो गया। सबसे पहले ना सफाई करने के बाद ये देखिए, कपड़ों को गर्म पानी में सर्फ के साथ अच्छे से डिप किया है, बर्तन वर्तन सब धुल चुका है। और ये देखिए मैंने बॉयल करके रख लिया है। और आज कुछ नई रेसिपी बनने वाली है, प्लस मैंने भिगो के रखा है उड़द की दाल। तो आज हम कुछ स्पेशल बनाएंगे, तो बने रहिए ब्लॉग में और देखिए क्या क्या होता है आज। तो ये देखिए मेरी दाल बिल्कुल पीस के तैयार हो गई है, एकदम महीन बारीक, ऐसे ही पीसना है। और इससे ना, इतने से ही मैं दो रेसिपी बनाऊंगी, एक तो जो अपना दही बड़ा बनता है ना ओरिजिनल, वो बनाऊंगी, और दूसरा उड़ीसा की फेमस रेसिपी है, स्ट्रीट फूड है, जो कटक में बहुत मिलती है, आलू दम दही बड़ा। फर्स्ट टाइम मैंने खाया कभी नहीं है क्योंकि मैं कभी उड़ीसा गई नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने, एक शेफ है हमारे बहुत ही नामी शेफ, उनके मुंह से सुना था और उसके बाद मैंने इस पर रिसर्च किया और मेरी एक उड़िया फ्रेंड थी उससे मैंने बात किया और तब उसने मुझे बताया कि कैसे बनता है। और शेफ का नाम बताओ, विकास खन्ना, उन्होंने अपने किसी इंटरव्यू में बताया था। तो चलिए इसको अच्छे से क्लीन करके निकाल लेती हूँ। देखिए इसको मैं दो हिस्से में डिवाइड कर दूंगी। तो इसमें हमने लिया है अदरक, हरी मिर्ची और काली मिर्च। तो इसको हमको बारीक नहीं पीसना है, दरदरा सा ही पीसना है और इसको हम डालेंगे बड़े के अंदर। इसमें आप करी लीव्स भी डाल सकते हैं, मैं रिकॉर्ड करना भूल गई लेकिन मैंने डाला है करी लीव्स, और करी लीव से एक अलग सा टेस्ट आ जाता है इसके अंदर। तो ये देखिए बस ऐसे दरदरा इसको मैंने कूट लिया है और इसको मैं मिक्स करूँगी इस बैटर में जो हमने बना के रखा है, दाल का बैटर। उसके साथ में इसमें मिक्स करेंगे हम नमक स्वाद अनुसार, नमक थोड़ा सा ना ध्यान रखते जाएं क्योंकि इस प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें डलेंगी और सब में नमक होगा। और ये देखिए इसमें मैंने हींग भी डाल दिया,
हींग चाहे तो आप डालें, पसंद हो तो नहीं भी डाल सकते, पर मैंने इसलिए डाला क्योंकि इससे ना फिर पाचन सही रहता है, क्योंकि उड़द की दाल जो है कई लोगों को थोड़ा सा नुकसान कर जाता है। और ये देखिए, जब बैटर को पानी में डाला तो एकदम तैरने लगा, तो इसका मतलब ये है कि अब हमारा कितना बिल्कुल सही बन जाएगा। तो अब हम ना फटाफट मसाले रेडी कर लेते हैं, क्योंकि आलू दम के लिए भी मसाला चाहिए होगा और छोले जो जिसको वहाँ पे घुगनी बोला जाता है उसके लिए भी मसाला चाहिए होगा। तो मैंने ले लिया है हरी मिर्च, क्योंकि मैं हरी मिर्च ही ज़्यादा खाती हूँ। उसके साथ में मैं इस अदरक को छील के लूँगी हाफ, प्लस ये लहसुन, ये सारा डल जाएगा। तो मैं इसको पीस करके रेडी कर लेती हूँ ताकि मैं जल्दी से काम शुरू कर सकूँ। और तेल इधर रख दिया है, बैटर यहाँ पे पड़ा है, तो बस गैस जला के तेल गरम होने के लिए रख देते हैं और मैं तब तक मसाला बना लेती हूँ। तो ये देखिए, तेल हो गया गरम और इसमें जो हम नॉर्मल बड़े बनाते हैं उससे काफ़ी छोटे छोटे बड़े हमें बनाना है। बैटर इतना अच्छा बना है कि अपने आप ही बड़ा उलट पलट रहा है। तो अब बड़ों के लिए हम पानी रेडी कर रहे हैं और पानी में हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्ची और नमक। नमक को थोड़ा सा ध्यान से डालेंगे क्योंकि हर स्टेप में नमक जाने वाला है। और इसमें हम सोक करके रखेंगे अपने बड़ों को आधे घंटे के लिए। और ये देखिए, बड़े हमारे बिल्कुल रेडी हैं, तो इनको मैं डाल दूंगी पानी के अंदर। इधर मैं तैयारी कर चुकी हूँ छोले की। एक्चुअली वहाँ ना घुगनी बनता है, जो मटर के दाने होते हैं ना सफ़ेद वाले वो, पर हम लोग खाना पसंद नहीं करते क्योंकि उससे बाई होती है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ छोले। आप लोगों को बनाना हो तो आप लोग, अगर आप लोग खाते हैं तो मटर यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने डाल दिया ज़ीरा, खड़े मसाले मैंने ऑलरेडी छोले बॉईल करने रखा था ना तभी डाल दिया था, हरी मिर्च मैंने पीस दिया है। तो अब मैं इसमें डालूंगी प्याज, और इसको मैं अच्छे से भून लूंगी। बस बेसिक मसाले इसमें सारे गए हैं जो बेसिक मसाले होते हैं, और कश्मीरी लाल मिर्च बस, और टमाटर डाल दिया। अब इसको भूनेंगे और इसी मसाले को ना दो हिस्से में सेपरेट कर लेंगे, आलू के लिए भी और छोले के लिए भी। तो आलू दम के लिए सबसे पहले 5 फोरन, इसके साथ में हरी मिर्च, और अब इसमें हम मिक्स कर रहे हैं मसाले जो हम डालेंगे भूनते मिक्स में छोले के लिए। तो
बस अब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए आलू। तो ये देखिए, इस स्टेज पे आपको घूनी मिक्स करना है, मैं छोले मिक्स कर रही हूँ। इसमें हम जिस पानी में बॉईल किया है वो पानी डाल दे रहे हैं। आलू दम के लिए एक स्पेशल मसाला काजू और खसखस, इसको पीस के हम डालेंगे। तो देखिए अब इसमें मैं मिक्स कर दे रही हूँ काजू और खसखस का मसाला, और अब इसमें बस बाकी रह गया है इनको मिलाना नमक। देखिए काजू डालते ही क्या कलर आया है, और थिकनेस को देखिए कितनी अच्छी थिकनेस आई है। तो इस तरह का आलू दम बना के हम पूड़ी के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो बस देखिए तैयार है आलू दम। जब आप खुद से काम करते हैं ना तो आपका काम फटाफट होता है। ये देखिए सब धुल गया, टंग गया। बार बार मेरे से कहती रहती है कि रोज धोती हूँ, लेकिन इतनी गंदगी निकली है उसमें से। इधर सारी चीजें रेडी है और अब मैं रेडी कर रही हूँ दही को। तो जितना दही उतना पानी लगेगा, तो मैंने इससे एक पूरा कप भर के दही लिया है। और छन्नी में क्यों ले रही हूँ, छन्नी में इसलिए ले रही हूँ कि मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसको बस ऐसे ऐसे करूँगी और मेरी दही पूरी अच्छे से स्मूथ हो जाएगी। तो सेम एक कप पानी भी ले लेते हैं। और ये पानी भी मैं मिक्स कर दे रही हूँ। तो ये देखिए इसमें मैं मिला रही हूँ नमक। नमक मैं थोड़ा थोड़ा ही मिला रही हूँ, क्योंकि हर चीज़ में नमक डला हुआ है। प्लस ये जो मैंने कूट के रखा था हरी मिर्च, काली मिर्च और अदरक, वो मैंने इसमें मिक्स कर दिया। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, मैं 6 से 7 बड़े ही इसमें डिप करूँगी। वैसे ये दही के साथ सर्व नहीं होता है, स्टिल मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिप नहीं करूँगी। के लिए तड़का रेडी कर रहे हैं, तो मैंने सबसे पहले इसको तेल को गरम कर लिया। साथ में लिया है राई, लाल मिर्च और करी पत्ता। करी पत्ता मेरा सूख गया है, आप सबको पता है। नया पौधा जो लगाया है वो भी अच्छा ग्रो नहीं कर रहा, तो उसको भी मैं नहीं ज़्यादा छेड़ रही। इसलिए मेरे पास जो सुखा के मैंने रखा था वो डाल दिया है इसमें। तो ये मैंने डाल दिया। जैसा कि मैंने बोला था, मैं बहुत कम दही बड़े में ही डालूंगी। तो बस अभी लगा देंगे तड़का। तो देखा आपने तड़के की, अभी तक रूम में ना बस है। तो मैंने रेडी कर लिया आलू दम दही बड़ा। असेंबलिंग जब हम सर्व करेंगे ना तब आपको दिखाएंगे। और अभी बज गया है 1:30 बजे से भद्रा नक्षत्र ख़त्म हो जाएगा, तो राखी वाखी बांधना है। तो लंच के लिए अभी मुझे पूड़ी बनाना है। तो बस मैं पूड़ी वूड़ी बना लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो कैसा लगा रेसिपी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी ये वीडियो तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार इस तरह से दही बड़ा बनाने की, आलू दम दही बड़ा बनाने की। बहुत तेज तड़का लग गया है। चलिए मुझे रेडी भी होना है और सारा अभी लंच में सिर्फ पूड़ी बनाना रह गया, बाकी सब तो बन ही चुका है। तो मिलते हैं आप लोगों से। बस बहुत ही सिंपल रेडी हुई हूँ, अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपना पूरा लुक। तो ये है मेरा पूरा लुक, और मैंने वही साड़ी पहनी है जो दीदी ने दिया था। और मैं घर पे नहीं शूट करवा पाई थी, तो ये मैं गई थी जहाँ मकान के मुहूर्त के लिए, वहाँ पे किया था। तो ये तैयारी हो गई राखी बांधने की भगवान जी को। भद्रा ख़त्म हो चुका है और मैं मंदिर में आ गई हूँ। तो ये है भगवान जी की राखी, और सारी चीज़ें मैं रेडी कर चुकी हूँ। बस फटाफट अब राखी बांधेंगे और फिर निकलना है मुझे। तो जब पहुँचूँगी फिर दिखाऊँगी कहाँ आई हूँ। तो ये गणपति जी की राखी बंध गई। सबसे पहले गणपति जी को राखी बांधा है, और अब राखी बांधूंगी कान्हा जी को। सो
सोमवार है तो आज सबसे पहले शिव जी का भी पूजा कर लिया है और अब चलते हैं कान्हा जी की राखी की तरफ। तो कान्हा जी की राखी भी बंध गई और अब बारी है मिठाई खिलाने की। दिया गणपति जी को भी भोग लगाना है। तो ये गणपति जी का भोग यहाँ पे रख दिया मैंने और यहाँ पे कान्हा जी का भोग। तो हम गए थे गृह प्रवेश में और हम काफ़ी लेट पहुंचे थे क्योंकि राखी थी, घर में भी काम था और ऑफिस का भी काम था, सारा करते कराते हम बहुत लेट हो गए थे जाने में। गए तो जस्ट हवन ख़त्म ही हो रहा था और आरती के टाइम से पहले हम पहुंच गए। अच्छा तो नहीं लगा क्योंकि मुझे लगा था कि पूरे पूजा में जाएंगे रहेंगे अच्छा लगेगा, लेकिन चूँकि अपने भी कुछ काम थे, ऑफिस का मेन काम था और पतिदेव को भी बहुत ज़्यादा काम था, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे लेट पहुँचे थे। मेरे पूजा को स्वीकार करें, मेरे पूजा से प्रसन्न होकर मेरे कार्य को सिद्ध करते हुए अपने अपने स्थान पर प्रस्थान करें। जब पुनः यज्ञ अनुष्ठान कराऊं तो मेरे घर में फिर विराजमान हो और गौरी गणेश कुबेर हमारे घर में हमारे कार्य के सामने हमेशा विराजमान रहे। हरि रामा ओम आवाहयामिनिजानामिनिजाना। आ जाइए कलेवा बन कलेवा। पानी पी ले। हाँ हाँ पी ले। लेफ्ट दो लेफ्ट दो लेफ्ट क्यों? लड़की लेफ्ट में बांधती है। लड़की अभी किसी के पास बस बीमार के साथ फिर उनका लेफ्ट में बनता फिर नहीं देखा देखा खा सकते हैं इसको। हाँ 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 अभी हमको याद नहीं है हम कहीं जा रहे थे, हमको ये याद नहीं है कि कहाँ जा रहे थे, शायद भाभी के साथ जा रहे थे। एक लड़की ना खड़ी हो गई, नहीं 15 अगस्त सॉरी। पूजा के बाद पंडित जी हम सबको कलावा बांध रहे थे और प्रसाद दे रहे थे, तो इसीलिए और पंडित जी सबसे पूछ भी रहे थे कौन सा फल आपको चाहिए, तो उस हिसाब से सबको फल मिल रहा था।
तो मैंने पंडित जी को बोला, पंडित जी अब तो मुझे तो अमरूद ही दे दो, वही बेटर रहेगा। तो बस यहाँ पे कलावा बनवाया, प्रसाद लिया और उसके बाद में हम लोगों ने राखी का सेलिब्रेशन शुरू किया, जो अभी आगे आप देखेंगे। तो ये देखिए सबकी राखियां सज के तैयार हो गई हैं। और ये मेरी, ये बच्चों की राखी है और पहले वाला जो था वो मेरी नंदों ने भेजा हुआ था। और यहाँ पे सब बहनें शुरू हो गई राखी बांधना। तो आप ओरिजिनल वॉइस में ही देखिए वीडियो। और यहाँ पे आ गई हमारी राखी बंधवाने की बारी। गुड़िया मेरी भांजी है लेकिन मेरी नंद नहीं आई थी, तो उनके बिहाफ में उन्होंने ही हम लोगों को राखी बांधी। और चूंकि ये नया घर है, गृह प्रवेश आज ही हुआ ही है, तो यहाँ पे कुछ भी अरेंजमेंट नहीं था, फिर भी उसी में हम लोगों ने जो पूजा का सामान था उसी से अपना यहाँ पे राखी वाखी मनाया। देखिए कर्टन वगैरह नहीं रहने से ना बाहर से लाइट आ रही है और वीडियो भी काफी धुंधला सा बना है, तो आज क्वालिटी के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आप लोगों को करना हो पड़ेगा। और यहाँ पे मैं गिफ्ट लेके बैठ गई हूँ ताकि राखी बंधे और मैं गिफ्ट दूँ। राखी के अवसर पे दो दो लाइन बोलो तो दोनों। तुम क्या बोलो? राखी पे अच्छा गिफ्ट नहीं मिला, राखी बर्बाद है। दो रक्षा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोनों को बस गिफ्ट से मतलब है। जी नहीं, हमें भाई से मतलब है। लालची बहने नहीं, हमें भाई से मतलब है। नहीं कोई अन्या मुझे लालची बोल सकते हैं। एक तो इसकी लालची है कि ले भी ली। वीडियो से आपको क्या लगता है? इतना भी डीप नहीं सोचती है ये दोनों। मैडम राखी के अवसर पे दो लाइन बोलिए। मेरे भैया लोग यहाँ नहीं है, क्या बोलूं? तो राखी पे बोलना है, भैया पे थोड़ी बोलना है। कुछ यो मासी, हैप्पी रक्षा बंधन। पावन त्योहार है, भाई बहन की रक्षा करने के लिए। ठीक है, तो हम आप भाई हैं, आपकी उम्मीद करते हैं बहनों की रक्षा करिए, बस यही कहना। हेलो अच्छा लगेगा, हमारे दांत लाल लाल हो। हमारा कार्यक्रम चल रहा है।
बांधूंगी। जब जरूरत पड़ेगा देखना कैसे क्लॉक से फोन ऑफ कर ले। मेरे साथ हो चुका है। फोन क्या कर ली? ऑफ कर। थोड़ा सा दूर हटके करो ना, तब ना। फोन पे भी नहीं करते। एक बार हमको बोले थे जाओ जो मन हो खा लेना और फिर QR भेज देना, उसके बाद इसका कभी छोड़ ही नहीं लगा। फिर पता चला नंबर बदल। अरे कोई मिठाई खिला उसको। अच्छा किसी नहीं देख पाई हो गिफ्ट नहीं दे रही है। अब पैर छुइएगा आज आप दीदी है इसकी तो डेली छूते आज जरूर छुइएगा। घुस घुस के पैर छू रही है। अरे बोल के छू रही है। अच्छा ठीक बैठिए गुड़ी बैठिए आपको गिफ्ट मिलेगा। नहीं तो वो दोनों पहले इधर। अच्छा एक गिफ्ट ले लो गिफ्ट ले लो। अरे गिफ्ट ले लो पहले जिसको जो अच्छा लगे रखो यहाँ। गुड़ी आप यहाँ से हटाएंगे तो लिपस्टिक टूट जाएगा। आप बताइएगा उसका रिव्यू हमको कि कैसा है। मस्कारा तो अच्छा नहीं था हमको इतना पता है। एक मिनट एक मिनट पैर छुइए। अच्छे से सर सर लगाओ। देख रही है कैसी बात देने वाली बड़ी। मैं भी आपकी बात दे रही हूँ। और अब यहाँ पे आ गया था खाना तो हम सब ने खाना खाया। आपको असेंबल करके दिखाते हैं आलू दम दही बड़ा को। तो उड़ीसा में ना स्ट्रीट फूड जब आप खाते हैं तो वो आपको पत्ते के दोने में देते हैं। तो मेरे पास दोना तो अवेलेबल नहीं है पर मेरे पास ये पत्ता है अवेलेबल है। तो इसमें हम निकालेंगे दही बड़ा को। और अब इस पे जाएगा घुगनी। तो मेरे पास तो छोले हैं तो मैं डाल रही हूँ छोले। अब आएगा आलू दम। ये आलू दम ना वैसे भी बहुत टेस्टी बना है तो इसे आप चाहें तो सिर्फ आलू दम भी खा सकते हैं। और अब मैं इस पे डालूंगी ग्रीन चिलीज। ये चिली अभी मुझे आँख में बहुत तेज लगी है। थोड़ा सा काला नमक, अनियन और इसके ऊपर जो भुजिया सेव होती है ना वो डलता है तो मैं वो नहीं डाल रही हूँ। मैं डाल रही हूँ इस पे थोड़ी सी मीठी चटनी और थोड़ी सी खट्टी चटनी। ये मैंने डाल दिया खट्टी चटनी। आप इस पे डाल सकते हैं भुने जीरे का पाउडर, लाल मिर्च और भुजिया। मेरे पास भुजिया नहीं है मैं इस पर थोड़ी सी नमकीन डाल देती हूँ। ये देखिए रेडी है मेरा आलू दम दही बड़ा और आज यही है मेरा डिनर। तो ट्राई करती हूँ और आप लोगों को शेयर करती हूँ इसका एक्सपीरियंस। बड़ा एकदम सॉफ्ट है लेकिन नॉर्थ में जैसे हम खाते हैं ना मीठे मीठे दही बड़े वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये खट्टा है, काफ़ी खट्टा दही बड़ा। और उस खट्टे दही बड़े के साथ में आलू की सब्ज़ी, मतलब आलू की सब्ज़ी ही बोलेंगे ना इसको, दम आलू और छोले और उसके साथ चटनियाँ, तो ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। एक डिफरेंट टेस्ट है जो दही बड़े हम लोगों ने अभी तक खाए हैं उससे काफ़ी डिफरेंट है। तो फर्स्ट बाइट जो मैंने लिया था वो सिर्फ दही बड़ा का था, वो बहुत खट्टा था और अब ये मैं पूरा मिक्स करके ले रही हूँ।
नॉट बैड, अच्छा है, टेस्टी है, खट्टा खट्टा। तो बस जो एक दो चीज़ें मेरे पास मिसिंग थी ना, अगर वो सब कुछ इसमें डल गया होता तो ये बहुत टेस्टी लगना था। तो मैं अपना डिनर इंजॉय कर रही हूँ, आप भी जाइए कुछ खा के आइए, ख़त्म करके फिर मिलती हूँ आप लोगों से। हाँ जी, तो अभी आपने देखा कि मैं आई हूँ पूजा से, तो सबको लग रहा होगा कि आखिर किस चीज़ की पूजा थी, रक्षाबंधन पे तो ऐसी कोई पूजा नहीं होती है। तो जी हाँ, बिल्कुल रक्षाबंधन की ऐसी कोई पूजा नहीं थी। मेरे ब्रदर इन लॉ ने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से एक छोटा सा फ्लैट लिया था, आज उसका मुहूर्त था, मकान का मुहूर्त था, हम वहीं गए थे और हम लोग काफ़ी लेट गए थे। मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था क्योंकि घर में भी कुछ काम था और उसकी वजह से हम टाइम पे नहीं पहुंच पाए, पर हवन ख़त्म होने से पहले हम पहुंच गए थे। हाँ, बाकी आज की राखी सेलिब्रेशन हुई, भाइयों को बहुत मिस किया, जिसमें से एक भाई मेरे बीमार पड़े हैं और वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। बहुत बुरा लग रहा है सुन के, एक बहन को राखी के दिन अगर पता चले कि उसके भाई बहुत ज़्यादा सीरियस हैं तो बहुत बुरा होता है। मैं बिल्कुल सिंपथी नहीं लेना चाह रही हूँ आप लोगों से, बस इतना चाहती हूँ आप सब प्रे कीजिए कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर कर जाए। उनका उनके बॉडी में ब्लड की कमी बता रहे हैं डॉक्टर, साथ ही साथ उनका ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा लो हो गया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो या ना करो, प्लीज़ भैया के लिए प्रे करना, बस इतना चाहूँगी। कुछ भाई हैं जो ठीक हैं पर आज उनका कॉल नहीं आया, मैंने भी राखी नहीं भेजी है, मेरे से ना राखी भेजा नहीं जाता। मैं मेरी राखी भी मेरी छोटी बहन भेजती है, मैं जल्दी राखी नहीं भेजती हूँ किसी को, एक साथ ही वही भेज देती है राखी। मैं जाके बांधती हूँ ना तो मुझे ज़्यादा तसल्ली होती है, तो इस वजह से मैंने नहीं भेजी राखी। और हर बार तो उसका कॉल आता था, सुबह सुबह आता था, इस बार उसने कॉल भी नहीं किया। पीयूष, इतना नहीं बदलना चाहिए, मैं तो सेम हूँ, पहले भी नहीं भेजा, आज भी नहीं भेजा, पर तुम बदल गए। और क्या बोलूँ आपसे, एक नई रेसिपी ट्राई की, आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोग भी ट्राई करके देखिए अगर अच्छी लगती है तो। राखी बहुत हंसी खुशी वाली तो नहीं बीती क्योंकि ना तो ननद आई ना मैं कहीं जा पाई, तो ननद की कमी पूरी की मेरी भांजी ने। जी हाँ, जिसने राखी बांधी वो हमारी भांजी हैं, मेरी ननद की बेटी, और उन्होंने राखी बांधी अपने मम्मी और मौसी के बिहाव में। तो बस ऐसे ही राखी हमारी बीती। तो आप लोग, पता है मैं बोल नहीं पा रही हूँ, आप लोगों को पता है मैं कितना बोलती हूँ, हाथ में कैमरा लेती हूँ तो बस बोलती चली जाती हूँ, पर आज तकलीफ हो रही है, बोला नहीं जा रहा है, बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। ये तीसरा साल है जब मैंने भैया को राखी बांधा था, वो मेरे सगे भाई तो नहीं है ना, सगे भाई दो ही हैं, बट उनसे जो मेरा रिश्ता जुड़ा है वो बहुत ऑर्गेनिक रिश्ता जुड़ा है। और हर बार ऐसा होता था ना कि राखी पहुंचती थी तो फिर उधर से भाभी का कॉल आता था या मैसेज आता था, इस बार जब कॉल और मैसेज नहीं आ रहा था ना तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है आखिर। एक दिन पहले जब बात हुई उनसे तो वो बिल्कुल ठीक थे, घर पे थे, और जब मैंने फ़ोन किया पूछने के लिए, मैसेज किया पूछने के लिए कि आप लोगों को राखी स्वीट सब कुछ मिल गया ना, तो उन्होंने बताया कि भैया ठीक नहीं है और वो एडमिट है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट तो आप लोग करते नहीं हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, अगर आपका मन ना करे तो बिल्कुल मत कीजिएगा।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग रेखा की दुनिया. गुड नाइट.